टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस को सालों से एंटरटेन करता आ रहा है। टीआरपी में भी शो लगातार छाया हुआ है। शो से कई एग्जिट हुई तो कई नए स्टार्स ने शो को ज्वाइन भी किया, लेकिन दया बहन कब वापसी करेंगी, ये सवाल फैंस के जहन में हमेशा आता रहता है और वो लगातार ये सवाल सोशल मीडिया के जरिए मेकर से भी पूछते हैं। लेकिन अब दया बहन यानी कि आपकी प्यारी दिशा मकानी की री एंट्री पर बड़ी अपडेट सामने आई है और वो ये कि दिशा नवरात्र के शुभ अवसर पर शो में वापसी कर सकती है। जी हाँ, खबरें हैं कि मेकर्स दिशा को नवरात्र के मौके पर शो में दोबारा लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से दिशा की एंट्री पर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर वाकई दिशा की वापसी होती है तो ये उनके फैंस के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं होगा। खबरें तो यहां तक है कि दिशा की एंट्री बेहद ही स्पेशल तरीके से होने वाली है, जिससे फैंस भी सरप्राइज रह जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार दिशा की दोबारा वापसी की खबर आ चुकी है। पहले खबर आई थी कि दिशा रक्षाबंधन के स्पेशल एपिसोड में शो से जुड़ेंगी, हालांकि फिर खबर आई कि दिशा के पति मयूर की वजह से ये डील कैंसिल हो गई। आपको बता दें कि दिशा ने 2017 में तारक मेहता शो से प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेक लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि आफ्टर प्रेगनेंसी दिशा कुछ ही महीनों में वापस आ जाएंगी, लेकिन महीनों बीत गए लेकिन दिशा की वापसी पर कोई खबर नहीं आई। लेकिन अब देखना तो ये है कि ये नवरात्रि दया बहन शो में गर्मी वाले अंदाज में वापस आती भी है या फिर इस बार भी फैंस के हाथ निराशा ही लगती है।